वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतंत्र, संप्रभुता संपन्न संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, यह किसकी देन है? यह उन महानुभावों की देन है जिन्होंने कि भारत को आजाद होने के बाद किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भूमिका का निर्वाह किया है। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वाला यदि कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हकीकत को समझते थे कि भारत को ये दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं तो जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत ऊंचाइयों को हम नहीं हासिल करेगा तब तक हम भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा नहीं कर सकते। यह उनकी सोच थी। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़नी चाहिए, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विशेष आग्रह था। और बच्चों का यहां तक सवाल है, उनके जन्म दिवस को ही एक बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जानते हैं कि वह मानकर चलते थे कि देश का भविष्य यदि कोई है तो आज का हमारा यह बच्चा बालक यही देश का भविष्य है। इसकी योग्यता प्रतिभा क्षमता में यदि विकास होगा तो भारत इस देश की योग्यता प्रतिभा और क्षमता में विकास होगा, यह उनकी सोच थी। जब उनका स्वर्गवास हुआ था, देहावसान हुआ था, केवल भारत के समाचार पत्रों में ही उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया हो ऐसा नहीं था, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते हैं, जो विकसित देश उस समय माने जाते थे, वहां के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में लिखा था और उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह एक व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक बार जब स्वेज नहर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, अरब देशों और इजराइल के बीच जब संघर्ष हुआ था, तो उस समय अरब देशों का भी, पश्चिमी देशों के ऊपर माने अमेरिका वगैरह के ऊपर भी कोई बहुत विश्वास नहीं रह गया था। कौन हस्तक्षेप करे, कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाए ताकि यह संघर्ष अरब देशों और इजराइल के बीच यह समाप्त हो जाए? हो तो नहीं पाया था, लेकिन नाम यदि उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ने यदि सोचा था किसी का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सोचा था। माने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आज उस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। जहां तक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि आर्थिक नीतियों पर कभी सामान्यतः एक मत नहीं होता है, कंसेंसस नहीं बनता है, लेकिन मैं उनकी सूझबूझ की मैं दाद देना चाहता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद ही उनकी जो अर्थ नीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी, फॉर साइटेड थी, दूरदर्शी थी। मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस समय शुरू की थी और आज भी उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। माने आर्थिक क्षेत्र में भी एक अपनी सोच थी उनकी, एक ऐसा व्यक्तित्व था। और उस समय सारी दुनिया जबकि दो ध्रुवों में, रूस और अमेरिका, बटी हुई थी, बाईपोलर पॉलिटी पूरे वर्ल्ड की थी, इंटरनेशनल पॉलिटी ये बाईपोलर थी, कुछ देश रूस के साथ थे, कुछ देश अमेरिका के साथ थे। यह साहस करना कि नहीं, न रूस के साथ न अमेरिका के साथ हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे, किसी के साथ हम जुड़कर नहीं चलेंगे,
बल्कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन यदि चलाने का काम यदि किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह साहस का परिचय उन्होंने दिया। क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतों से तो सब घबराते हैं, चाहे व्यक्ति हो अथवा देश हो, लेकिन उस समय भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को चलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ऐसे व्यक्तित्व, हाँ जहां तक मेरा भी प्रश्न है, उनकी बहुत सारे कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन पर कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को भी सहमत नहीं कर पाता हूं, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया हो। नीतियों पर हमारा मतभेद उनके साथ हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी नीयत पर मेरा संदेह कभी नहीं हो सकता है, उनकी नीयत पर संदेह नहीं हो सकता। और नीतियों पर असहमति किसी की भी हो सकती है, उनके नियत पर मैं संदेह नहीं कर सकता हूं। और हमारे जैसा व्यक्तित्व जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता है, तो मैं सच बताऊं बहुत सारी नीतियों से असहमति होने के बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक आईने में नहीं देख पाता हूं, नहीं देखता हूं। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता हूं तो राष्ट्रीय आईने में मैं देखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राष्ट्रीय आईने में देखता हूं, और देखना भी चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री और उस विराट व्यक्तित्व के का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं तो यह मानता हूं कि ऐसे व्यक्तित्वों का जब जन्मदिन मनाया जाता है उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, और विशेष रूप से मैं सारे जो महापुरुष हैं अथवा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके जन्मदिन की ही बात नहीं करता हूं, विशेष रूप से जब आजादी हमको हासिल हुई थी और आजादी हासिल होने के बाद जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उनका जन्मदिन मनाने का लाभ यह होता है कि हम यह समझ पाते हैं उनकी आकांक्षाएं उस समय क्या थी, उनका उद्देश्य उस समय क्या था, और वह कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। इन सब सारी चीजों को हम समझ पाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि उनके जिस प्रकार के परिवार में वो पैदा हुए और पिताजी का जो एक हैसियत है, एक स्तर उन सब की थी, एक चीज पर मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि भाई ये इंडस्ट्रीज की बात करते थे, बड़े बड़े प्लांट्स, स्टील प्लांट्स वगैरह की बात की उन्होंने, वो किया भी उस समय बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन शायद इस देश की ताकत, इस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत जहां पर केंद्रित है कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से अछूता नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से वो अछूता नहीं था। उन्होंने कहा आई एम ऑल फॉर इंडस्ट्री, आई एम ऑल फॉर स्टील प्लांट्स, बट आई डू से एग्रीकल्चर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को भी अपनी नजरों से उन्होंने ओझल नहीं होने दिया। इस हकीकत को उस समय भी वो समझते थे कि केवल औद्योगिक विकास के माध्यम से हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, सभी नवयुवकों को हम रोजगार दे पाएंगे, अथवा इनकम डिस्पैरिटी, आमदनी की विषमता को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, यह संभव नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंडस्ट्री स्टील प्लांट से भी ज्यादा महत्व यदि है तो देश की कृषि का है, कृषि क्षेत्र का। ऐसे एक विराट व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन है, मैं हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, और वो हमारे बीच नहीं है इसलिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करता हूं।